अगर आपके पास भी एक पुराने जमाने का सीआरटी टीवी आज भी मौजूद है जिस पर केवल टीवी चैनल से चल पाते हैं, इसके अलावा तो किसी काम का नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके पास अगर कोई एलसीडी टीवी या फिर एलईडी टीवी है जो कि बिल्कुल भी स्मार्ट नहीं है, उसमें आप किसी भी प्रकार की एप्लीकेशन चला नहीं पाते हैं, तो आज मैं आपके बीच एक ऐसा ही सेट ऑफ बॉक्स लेकर आया हूँ जिसमें आप अपने टीवी चैनल्स तो देख ही पाएंगे, साथ ही साथ आप सभी प्रकार के ओटीटी एप्स भी चला पाएंगे, चाहे उसमें यूट्यूब का नाम हो, चाहे वो प्राइम वीडियो का नाम हो, चाहे वो डिजनी प्लस हॉटस्टार हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, वो सभी के सभी आपके यहाँ पर मिलने वाले हैं। कैसे मिलेंगे? इस डिवाइस पर मिलेंगे जिसका नाम है D2H Stream। ये वीडियोकॉन D2H की ओर से एक एंड्रॉइड सेट टॉप बॉक्स लॉन्च किया गया था जिसमें आपके लिए यहाँ पर टीवी चैनल्स के साथ साथ सभी प्रकार की ओटीटी एप्स को भी चलाने का मौका दिया जाता है। इसकी अनबॉक्सिंग और रिव्यू हम आपके बीच लेकर आए हैं। इस प्रोडक्ट को खरीदना आपके लिए और भी आसान हो गया है क्योंकि ये जो डिवाइस है वो इजीली सभी एरियाज में अवेलेबल नहीं होता, लेकिन हमारी ओर से पूरी गारंटी दी जा रही है कि आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। अगर आप भी अपने नॉर्मल टीवी को, सीआरटी टीवी को या फिर कोई भी एलईडी एलईडी टीवी को जो कि स्मार्ट नहीं है उसे स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो ये आपके पास सुनहरा मौका है क्योंकि टू गदन स्टोर आपके लिए लेकर आया है ये सेट ऑफ बॉक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शिपिंग चार्जेस के साथ आपके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। कोई शिपिंग चार्जेस आपसे नहीं लिया जाएगा और इस सेट ऑफ बॉक्स को आप अपने घर पर लगाकर अपने नॉर्मल टीवी को एक एंड्रॉइड टीवी बना सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या खूबियां मिलने वाली हैं, इसको आप कैसे कनेक्ट करेंगे, इस बॉक्स के साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, हर एक जो जानकारी है वो आपको हमारे द्वारा दी जाएगी। अगर आपके पास पुराना डिश कोई लगा हुआ है तो उसी पर ही आप इसे इंस्टॉल करवा सकते हैं, आपको पूरा कनेक्शन खरीदने की भी जरूरत नहीं है, हम आपको केवल बॉक्स देने को भी तैयार हैं। तो इससे बढ़िया सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे इस कॉल खरीदने का लिंक दे दिया गया है, वहां से जाकर तुरंत इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। एक आपको दोस्तों इसका यूजर मैनुअल मिलेगा जिसमें आपको सभी प्रकार की ऐप जो सपोर्ट करती हैं सेट ऑफ बॉक्स में वो बताई गई हैं। इसके अलावा भी दोस्तों 5000 के करीब एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं जो कि इसमें आपको इंस्टॉल करने का मौका मिलेगा गूगल प्ले स्टोर से। गूगल असिस्टेंट का फीचर मिलेगा, HDR है, वाईफाई है, ब्लूटूथ है, क्रोमकास्ट अवेलेबल है, HDMI है, दोस्तों सभी फीचर्स जो हैं वो आपको इसमें मिल जाएंगे। एक हाई क्वालिटी आपको अडैप्टर दिया गया है साथ में जो कि काफ़ी शानदार क्वालिटी है, केबल की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। एक आपको हाई क्वालिटी की HDMI केबल दी गई है, रिमोट कंट्रोल की बैटरीज आपको दी गई हैं, तो दोस्तों हाई क्वालिटी का जो है रिमोट कंट्रोल मिल जाएगा गूगल असिस्टेंट फीचर के साथ। इसको भी हम आपको खोल कर दिखा देते हैं, सामने कुछ आप देख सकते हैं इस प्रकार का रिमोट कंट्रोल मिलेगा वाइट कलर में। इसमें जो भी आपको ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं दोस्तों, इसके अलावा वीडियो को पॉज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बाकी डेडिकेटेड की के बारे में बता दूं तो आपको उसमें डेडिकेटेड यूट्यूब का बटन और वॉचों का बटन मिल जाएगा जो कि इनकी खुद की एप्लीकेशन है, और सेंटर में आपको गूगल असिस्टेंट का जो है वॉइस कमांड का जो है बटन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है हमारे मेन यूनिट की जो कि हमारा D2H Stream का सेट टॉप बॉक्स। सामने की ओर देख सकते हैं कि D2H Stream के जो आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी, सेंटर में जो है आपको दोस्तों उसका इंडिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पर दोस्तों को आपको Dolby ऑडियो की एक ब्रांडिंग मिल जाएगी, साथ ही साथ आपको जो है एक USB पोर्ट दिया गया है, यहाँ पर भी आप पेन ड्राइव लगा सकते हैं। इसी की ओर बात करें तो आपको पूरे जो है वेंटिलेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। इस तरफ की बात करें तो दोस्तों ये आपका CI पोर्ट है जो कि हमारा किसी काम का नहीं है। बैक साइड की ओर आएंगे तो आपको सैटेलाइट इन का ऑप्शन मिलेगा, ऑडियो वीडियो आउट का मिलेगा जो कि आप CRT TV में इस्तेमाल कर सकते हैं कनेक्ट करने के लिए। इथरनेट का पोर्ट मिल जाएगा इंटरनेट यूसेज के लिए, HDMI पोर्ट दिया गया है आपका LCD TVs के लिए, SPDIF का ऑप्शन दिया गया है और Dolby डिजिटल साउंड के लिए, और आपको एक और USB पोर्ट पीछे भी दिया गया, और यहाँ पर भी आप अडप्टर लगाकर जो है इस बॉक्स को ऑपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको सेट टॉप बॉक्स को जो है पेयर करना होगा अपने ब्लूटूथ रिमोट के साथ। तो सबसे पहले जो है आप 20 सेंटीमीटर की दूरी के आसपास अपने रिमोट को जो है आप पेयर कीजिए अपने सेट टॉप बॉक्स के साथ। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको कई प्रकार के लैंग्वेज ऑप्शंस मिलेंगे जिसमें इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स और अन्य जो देशों की लैंग्वेज मिलती है, यहाँ पर हम इंग्लिश इंडिया को ही सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपका एंड्रॉइड फ़ोन से कनेक्टिविटी करने के लिए वो कह रहा है तो उसको हम स्किप कर देते हैं, बाद में आप खुद कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको वाईफाई कनेक्टिविटी के बारे में बताया गया है और यहाँ पर गूगल की जो भी पॉलिसीज है उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, और लोकेशन को हम यहाँ पर नो कर देते हैं और बिल्कुल एप्लीकेबल हम करेंगे हेल्प इम्प्रूवमेंट में। और जो हमारे मॉडल का नाम है दोस्तों यहाँ पर आ चुका है, और दोस्तों हमारा जो है टीवी ऑलमोस्ट रेडी है, हमारा सेटअप है वो दोस्तों सक्सेसफुली यहाँ पर हो चुका है, और अब जो है इसमें आप जितनी भी एप्लीकेशन हैं उन सभी को इस्तेमाल कर पाएंगे। तो फाइनली दोस्तों आपका जो है यहाँ पर डिवाइस रेडी है,
कुछ इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शंस मिलेंगे। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का जो यूज़र इंटरफेस है वो आपको डिटेल स्ट्रीम एंड्रॉइड सेटअप बॉक्स में मिलने वाला है। यहाँ पर सर्च किया आपको दिया गया है, यहाँ पर कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा गाइड का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएगा आपको। यहाँ पर जो भी आपके चैनल्स टीवी के अवेलेबल हैं वो सभी यहाँ पर दिखाई देंगे। जैसे आपके बॉक्स में चैनल्स आप स्टोर करेंगे, ऐप्स में जाएंगे तो जितने भी ऐप्स हैं दोस्तों प्री इंस्टॉल्ड यहाँ पर दिखाई देंगे। बाकी आप गूगल प्ले स्टोर से भी डायरेक्टली अपनी मर्ज़ी का कोई भी ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। यूट्यूब म्यूज़िक, जो भी ऐप्स प्राइम वीडियो आप देख सकते हैं, वो जो भी अवेलेबल है। दोस्तों आप इजीली जो है अपने पसंद का कोई भी कंटेंट यहाँ पर देख सकते हो। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यूट्यूब भी यहाँ पर इजीली एक्सेसिबल है। आज आप चाहें दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब भी एक्सेस कर सकते हैं। सेटिंग्स में ऑप्शन आपको दिखाएं तो यहाँ पर दोस्तों जो भी आपके स्मार्ट कार्ड की जानकारी है वो यहाँ आपको दिखाई देगी। हेल्प, SMS सर्विसेज, रिकॉर्डर, पेंटल लॉक, TV इन्फो शीट, सैटेलाइट मैनेजमेंट की दोस्तों जानकारी यहाँ आ जाएंगी। चैनल स्कैन आप करना चाहते हैं दोस्तों तो यहाँ से आप चैनल स्कैन कर सकेंगे। और इसके अलावा टूल्स में जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर भी पासवर्ड जो आप चेंज कर सकेंगे। एंड्रॉइड सेटिंग्स की बात करें तो दोस्तों यहाँ से डायरेक्टली आप एंड्रॉइड ऐप सेटिंग्स जो है उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड्रॉइड सेटिंग्स पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है आपको डिवाइस प्रेफरेंसेस पर आना है और अबाउट में जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको जो एंड्रॉइड 9 वर्जन यहाँ पर दिया गया है। साउंड, स्टोरेज आपको मैं दिखा देता हूँ। करीबन दोस्तों आपको 4.7 यानी कि 4.7 GB जो है वो स्टोरेज आपको मिलती है एप्लीकेशन के लिए। क्रोमकास्ट आपको दिया गया है। सर्वर, स्क्रीन सेवर, लोकेशन, हर एक चीज़ जो दोस्तों यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पे आप डिस्प्ले, HDMI, CEC और ऑडियो आउटपुट जो भी है उसकी सेटिंग्स कर सकते हो। दोस्तों आप पेन ड्राइव लगाकर अपना जो भी डाटा है उससे भी आप देख सकते हो। जो भी आपके पेन ड्राइव में इमेजेस होंगी या वीडियोस होंगी तो सिंपली जैसे फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करेंगे अपने डिवाइस में तो यहाँ पर आपको पेन ड्राइव दिखाई दे रही है SanDisk के नाम से। उस पर आप जाएंगे तो दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने अलग अलग फोल्डर्स बनाए हुए हैं उसकी इमेजेस भी यहाँ पर जो है आपको दिखाई देगी। तो आप जैसे देख पा रहे हैं दोस्तों जो मैंने इमेजेस डाली हुई थी वो यहाँ पर मैं इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर, ये देखिए D2S स्ट्रीम के रिलेटेड जो भी मैंने इमेजेस डाली थी जो मैंने पेन ड्राइव में दोस्तों वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। डिश स्मार्टअप की बात करें तो उसकी इमेजेस भी दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो भी आपके पेन ड्राइव में डाटा है उसे यहाँ पर जो है आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू अच्छा लगा होगा। कृपया करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। जितना जल्दी आप ऑर्डर करेंगे उतने कम दामों पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। 1 महीने का जी पैक चाहिए तो वो मिल जाएगा। अगर आपको स्टैंडर्ड पैकेज चाहिए तो वो भी आप ले सकते हैं, उतने प्राइस आपका कम हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दिया गया है।